इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र को टीचर बुरी तरह से पीट रहा है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं तमाम बड़े मीडिया संस्थान खबर चला रहे हैं कि एक दलित छात्र ने टीचर की मटकी को छू लिया जिससे गुस्सा होकर टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा और पीटने से छात्र की मौत हो गई। ये खबर चलाई जा रही है कि छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पानी पीने के लिए उस मटके को छुआ जिससे टीचर छेल सिंह पानी पीते हैं। टीचर ने इतना पीटा कि उसकी कान की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि इस घटना के बारे में जो भी खबरें चलाई जा रही है उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में टीचर के पीटने से छात्र की मौत हुई? क्या छात्र की पिटाई का कारण उसकी जाति या पानी की मटकी बनी? जहाँ कई लोग इस घटना पर राजनीति कर मामले को जातिवाद से जुड़ा बता रहे हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। परिजनों ने शिक्षक पर छात्र को पीटने का आरोप लगाया। 20 जुलाई को तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र मेघवाल ने पानी की मटकी को छू लिया था। इस पर शिक्षक छेल सिंह ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। बच्चे की कान की नस फट गई और कान की नस फटने से उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे बाद में अहमदाबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहाँ 13 अगस्त को छात्र ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले के बाद 12 जिले के विधायक पानाचंद मेघवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक मेघवाल ने अपना इस्तीफा मेल के जरिए सीएम गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजा जिसमें विधायक ने लिखा कि कहीं मटकी पर पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़े से उतार कर तो कहीं मूछ रखने पर दलितों को यातनाएं दी जाती है। राजस्थान में दलित अत्याचारों से आहत है। अब जहां पर यह घटना घटी वहां के विधायक का इस घटना को लेकर क्या कहना है, जरा वो सुनते हैं। जिस अध्यापक पे आरोप है उसको कल ही घटना की जानकारी मिलते ही कल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने स्वीकार भी कर लिया है कि उसने मारपीट की। इसको लेकर अब बहुत राजनीति हो रही है और जो मेरा सबसे निवेदन है कि उत्तेजित होने से पहले और कुछ भी आक्रामक बयानबाजी करने से पहले हमको सच की जानकारी कर लेनी चाहिए। प्रशासन जांच कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है, शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है और उनकी फाइंडिंग आ जाए। मारपीट हुई है वो उस अध्यापक ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मारपीट क्या इसलिए हुई कि उसने पानी पी लिया था, इसलिए हुई कि वो मेघवाल था, ऐसा है कि नहीं, ये पहले स्पष्ट होने देना चाहिए, उसके बाद हमको कोई अपना राय देनी चाहिए। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस विद्यालय में प्राइवेट विद्यालय है, दो भागीदार है, एक राजपूत है एक मोची है। वहां के स्टाफ में आधे से ज्यादा SC ST के अध्यापक है, मेघवाल भी है, मोची भी है, भील भी है और वहां के बच्चों में भी आधे के लगभग बच्चे SC ST के हैं। और जो गांव से मैंने जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से मैंने बात करके जानकारी ली है, उसके अनुसार मारपीट हुई है ये तय है, लेकिन वो मारपीट जाति के कारण या पानी के कारण हुई है इसमें संदेह है, बस ये जांच का इंतजार। आपने सुना कि विधायक ने ये बात कही कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है, लेकिन क्या वास्तव में ये मारपीट पीने के पानी या छात्र के दलित होने के कारण हुई है? ये जांच का विषय है। जालौर से भाजपा विधायक का ये कहना है कि जब तक जांच पूरी ना हो तब तक आक्रामक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की मौत का कारण उसकी जाति या मास्टर जी के मटके से पानी पीना था, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया और ये बात हम नहीं बल्कि स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा कह रहे हैं। इस घटना को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अनिल शर्मा ने। आजकल एक घटना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि पानी की मटकी के हाथ लगाने से एक बच्चे के शिक्षक ने पिटाई की और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में चूंकि मैं भी एक स्कूल संचालक हूं और स्कूलों से जुड़ा संगठन हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं। और सच्चाई इतनी अलग है, जो दिखाई जा रही है पूरा झूठ है। सच्चाई यह है कि बच्चों का झगड़ा हो रहा था, उसमें टीचर ने उसको मारा। टीचर ने मारा, ना इसको मैं सही ठहरा रहा, ना सही ठहरा सकता, ना ये कानूनन ठीक है, ना ये व्यवहारिक रूप से ठीक है। परंतु किसी मटकी के हाथ लगाने की घटना टोटल झूठ है, जातिवादी रूप देना टोटल झूठ है। ये गंदी राजनीति और उन लोगों का कमाल है जो इस तरह की राजनीति के जरिए सत्ताओं में आना चाहते हैं।
चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक दल हो, व्यवहारिक रूप से उस बच्चे की मौत हुई, ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है। पर उसकी मौत को तमाशा बना दिया, उसकी मौत को कमाई का जरिया बना दिया, ये शर्म की बात नहीं इनके लिए, उन दोनों मीडियाओं के लिए जिन्होंने प्रमुखता से इस बात को चापी कि मटकी, जबकि पुलिस के SP कह रहे हैं, खुद उसके पिता कह रहे हैं मटकी कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, FIR में देखो कुछ भी लिख देगा कि FIR को छापेंगे आप, ये नहीं लिखा कि ये सिर्फ FIR में लिखा है, मटकी की बार बार SP कह रहे हैं कि मटकी की पुष्टि नहीं हुई, मटकी है ही नहीं, 8 में से 6 स्टाफ SC का है, कैसे मटकी होगी, उस स्कूल का मालिक खुद SC का एक जो पार्टनर है, तो कैसे मटकी का बात होगी, उस स्कूल में अगर 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो करीब 150 बच्चे SC के, तो कैसे हो सकता है, इसको व्यवहारिक रूप से देखे तो भी नहीं हो सकता। इस वीडियो में अनिल शर्मा ने मटके से पानी पीने और घटना को जातिवाद रूप देने की बात को झूठ बताया है। उन्होंने बताया कि इस घटना पर ओछी राजनीति करके सत्ता में आने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या वास्तव में कुछ लोग घटना पर राजनीति कर रहे हैं? क्या एक मासूम की मौत को तमाशा बना देना ठीक है? शिक्षक ने गलत किया, उसकी सजा उसको मिलेगी, लेकिन इस मामले को जातिवाद से जोड़कर नफरत का माहौल पैदा करना, लोगों को भड़काना और जातीय दरार पैदा करना चिंता का विषय है। आप भी किसी पोस्ट पर रिएक्ट करने से पहले पूरे मामले की सच्चाई जान लें और शांति और सौहार्द बनाए रखें। ऐसी खबरों की खबर के लिए देखते रहे सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।